नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 10 और 11 जुलाई का जो समय होगा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यशु में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके जीवन काल पर क्या होंगे, किन किन चीज़ों को लेकर यशु में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे बदलोगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दो दिनों में और भी ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले इंद्रों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 10 जुलाई की बात करें तो दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और पुनर्वसु नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो व्याघात नाम का शुभ योग शाम के 4:49 तक रहेगा। उसके उपरांत इस दिन हर्ष नाम का दुर्लभ संयोग बनेंगे। वहीं दोस्तों इस दिन राहुकाल के समय की बात करें तो शुभ समय की। दोस्तों ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों यश में रहेगा सुबह के 9:52 से लेकर सुबह के 10:52 तक। और दोस्तों चंद्रमा दिन मिथुन राशि को प्रांत कर्क राशि में संचार कर जाएंगे। वह दोस्तों 11 जुलाई की बात करें तो रविवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पुष्य नाम का भी नक्षत्र होगा। दोस्तों दिन योग की बात करें तो वज्र नाम का शुभ योग दिन रहने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। राहुकाल का समय दिन शाम के 5:32 से लेकर शाम के 7:12 रहेगा। चंद्रमा दिन भी कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह जो गोचर है आपकी जीवन काल पर क्या क्या प्रभाव लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करें जिससे आपको कामयाबी अच्छी मिले। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग यह समय प्राप्त होगा। किसी अपने का पूर्ण सहयोग मिलने से आर्थिक लाभ प्राप्ति में 4 चांद लग सकता है। वही दोस्तों यह समय नेगेटिव की अगर बात करें तो ध्यान रहे कि पिता या फिर माता तुल्य किसी व्यक्ति से यश में मतभेद होने के योग बन रहे हैं, जहां तक संभव हो इससे बचने की कोशिश करें। दोस्तों कुछ अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच भी मतभेद हो सकता है या फिर संतान को लेकर कुछ चिंताएं आपके पास रह सकती है। अपनी व्यक्तिगत बातें और कमजोरियां अपने तक ही इन दिनों सीमित रखें। दोस्तों यह समय आपके लिए अपने किसी पुरानी तलाश को पूरा करने जैसा समय रहेगा। आप जो है आपको वो सारी सफलताएं मिलने के संकेत भी मिलेंगे जो आप लंबे समय से पाना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों कुछ मामलों में आपको परिस्थितियों में समझौता भी करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों यश में आप सकारात्मक समझौतावादी होना आपके लिए शुभ होगा। यश में दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण खुशियाँ मिल सकती है। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसका आप लाभ उठाएँ। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अपने पर किस तरह लेते हैं। दोस्तों यश में आप मौके को बिल्कुल ना छोड़ें, हर मौके का लाभ उठाएं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आप अपने लिए किसी नए जॉब की तलाश भी शुरू कर सकते हैं, बिजनेस में लाभ की स्थितियां बनेंगी। दोस्तों इन दिनों में व्यवसाय से अच्छा जो लाभ आपको मिलेगा तथा आपके व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। दोस्तों यश में आप व्यवसाय को गति दे सकते हैं और उनमें कुछ नया कार्यों को भी ऐड कर सकते हैं यानी जोड़ भी सकते हैं। दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो कामुकता बहुत अधिक हो सकती है। दोस्तों यश में अनैतिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है जिसके कारण जो है अपमान की स्थिति भी उन्नत हो सकती है। अतः दोस्तों यश में मन पर आप नियंत्रण रखें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अविवाहित लोगों के लिए किसी के साथ डेट पर जाने का मौका मिल सकता है, संबंधों के लिए समय सकारात्मक रहेगा। वहीं दोस्तों यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको पीठ में खिंचाव की समस्या यश में हो सकती है। दोस्तों इन दिनों में जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं उनको मेडिकल उपचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं कि कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना ही एकमात्र उपाय होगा। निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए निश्चित बातों में समझौता करने में और अनुकूल होने में
दिन व्यतीत होगा। ऑफिस के काम में अधिक समय व्यतीत होने से परिवार की तरफ कम ध्यान देंगे। दोस्तों, यश में आपका दृष्टिकोण व्यवहारिक रहेगा, परिणाम स्वरूप आप अधिक परिश्रम यश में करेंगे। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर बात करें यानी धन को लेकर, तो दोस्तों गणेश जी कहते हैं यश में आप एक नई दिनचर्या का अनुगमन करते हुए उसे पूरा करने का जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप पूरे समय अपने लैपटॉप में व्यस्त रहेंगे, लंबित कार्यों को छुटकारा पाने के लिए आप यश में जुट जाएंगे। वह दोस्तों, यश में आपकी पारिवारिक जीवन की अगर बात करें, तो दोस्तों यश में आप अपने मांसों का ध्यान आकर्षित करने की भरकस कोशिश करेंगे। आप महसूस करेंगे कि कोई भी आपके आत्मीय मित्र को आपकी तुलना में बेहतर नहीं जानता है, के लिए आप अपनी शरारतों और प्रशंसा से उसे अपने दिल के करीब लाने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा रिश्ता आपके भाग्य में है, ऐसा गणेश जी की भविष्यवाणी है। दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो दोस्तों यश में आपके लिए यह बात काफ़ी निराशजनक हो सकती है कि अधिक पैसे कमाने के आपके जो सपना थे, आपके जो प्रयास थे, यश में व्यर्थ साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों गणेश जी का मानना है कि ऐसी स्थिति जो है थोड़ी देर के लिए है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे, अपने कामयाबी को हासिल भी कर सकेंगे। दोस्तों, यश में मेलजोल और संपर्क में आपका दिन व्यतीत होगा। दोस्तों, यश में कुछ सहयोगीगण आपके कार्यालय में आ सकते हैं, कुछ मेहमान आपके घर में भी आ सकते हैं। एक थकाऊ दिन आपके लिए हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है आप थके हुए मन और शरीर को शांत करने के लिए मधुर संगीत या फिर आध्यात्मिक गीतों को सुने। वहीं दोस्तों यश में किसी दोस्त के साथ गलतफहमी अब फिर हालात खड़े कर सकती है। दोस्तों, यश में किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नज़रिए से दोनों पक्षों को जांचें। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी और उसे अब बेचना चाहते हैं, उन्हें दोस्तों यश में कोई अच्छा खरीदार भी मिल सकता है और ज़मीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से दिन अच्छा है। विवाह प्रस्ताव के लिए यह सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों यश में प्रेमी को वक्त देने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों किसी जरूरी काम के आ जाने के कारण आप उनको समय दे पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए यश में काफ़ी कोशिशें करता हुआ नजर आएगा। गजब का दिन रहेगा, फिल्म पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना इन दिनों में आप पसंद करेंगे। दोस्तों, यश में चंद्रमा की चांदनी में 15 से 20 मिनट बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपके लाख प्रयत्न करने की बात भी आप अभी तक बेरोजगार हैं और आप में ही भावना घर कर गई है, तो दोस्तों यह करें, एक बिना दाग वाला पीला नींबू लें, उसके 4 बराबर टुकड़े कर लें। जब दिन ढल जाए तब दोस्तों चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में उन्हें एक एक टुकड़े में फेंक दें जी दोस्तों, और आप पीछे मुड़ के ना देखें और सीधे घर आ जाएं। आपको शीघ्र ही लाभ होगा। यह प्रयोग 7 दिन लगातार करें, आपका काम शीघ्र ही बनेगा और आपको रोजगार भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, यह उपाय को यश में जरूर करें, आपको अवश्य ही लाभ होंगे। और साथ दोस्तों, और ऐसे अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।